भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्वेत मलिक ने पत्रकारों को संबोधन करते हुए बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह 22 जनवरी को अटारी बॉर्डर पर आ रहे हैं, जहां पर वह अटारी सीमा पर एक नई इमारत का उद्घाटन भी करेंगे। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही वहां 113 डिजिटल कैमरे भी लग रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस में सच बोलने वालों पर कार्रवाई की जाती है और जो अपराधी है उन्हें संरक्षण दिया जाता है। मोदी जी का कार्यकाल बेमिसाल बेमिसाल बेमिसाल। पंजाब के लिए जो मोदी जी ने लंबा इतिहास रचा है विकास का, परसों 22 तारीख को राजनाथ जी जो हमारे होम मिनिस्टर है वो अमृतसर में पधार रहे हैं। अमृतसर में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है जहां पंजाब के माध्यम से उत्तर भारत का व्यापार होता है सेंट्रल एशियन कंट्री से, जिसमें पाकिस्तान है, जिसमें अफगानिस्तान है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है, इराक है, तो वो अमृतसर की इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट से होता है। तो वहाँ की डेवलपमेंट के लिए मैं जब एमपी बना 2016 में तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट मोहित खन्ना जी बैठे हैं आईसीपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, इनके और इनके साथियों ने जो पंजाब भर से आए थे एक बैठक हुई कस्टम्स के साथ, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के साथ, लैंड पोर्ट अथॉरिटी के साथ, तो कुछ मांगे रखी थी। आज मैं बहुत धन्यवादी हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, आज गृह मंत्री राजनाथ जी का, वित्त मंत्री अरुण जेटली जी का और गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू जी का, कि उन्होंने सभी मांगे मेरी स्वीकार की। आज वहां पे जो ओपन कार्गो जिसमें के जिप्सम था, पाकिस्तानी नमक था और कई चीजें थी, वो जब ओपन कार्गो मींस छत नहीं थी तो बारिश होती थी तो मिट्टी में खराब हो जाती थी, आज 1.5 लाख स्क्वायर फुट का वहां पे प्लेटफॉर्म बनाया गया है। और उसके बाद जो सीमेंट था, वेजिटेबल्स थी, फ्रूट्स थे, ड्राई फ्रूट थे, उनके लिए शेड्स की कमी थी, उनको खुले में रखना पड़ता था, खराब हो जाता था, व्यापारियों को नुकसान होता था, आज 50,000 स्क्वायर फुट का शेड पड़ा है। जो वहां पे शुरू हुई थी गैलरी रिट्रीट देखने के लिए पाकिस्तान के साथ, वो भी क्रेडिट अडवाणी जी को जाता है, पर अब संख्या इतनी बढ़ गई कि वहां बैठने की व्यवस्था नहीं थी, 25,000 लोगों की विजिटर गैलरी जो है वो वहां पे बनी है। वहां पे जो बीएसएफ के और सुरक्षा कर्मी ड्यूटी देते थे वो खासे से उनको आना पड़ता था दूर से, बहुत असुविधा थी। आज 300 फ्लैट्स उन बीएसएफ के कर्मियों के बन रहे हैं। उस आईसीपी पे सभी सड़कों को हमने नया बनवाया है। आज पैसेंजर्स को बड़ी दिक्कत होती थी, एक गेट था, आज उनका हम व्यवस्था नहीं कर रहे हैं जहां से पैसेंजर निर्विघ्न पाकिस्तान को बाय फुट जा सकते हैं। आज माल आने में असुविधा थी क्योंकि एक ही गेट था, भरा ट्रक जब तक खाली नहीं होता था दूसरे भरे ट्रकों की लंबी लाइनें लगती थी कई दिनों तक। आज वहां पे नई व्यवस्था हो रही है, खाली ट्रकों के लिए अलग गेट होगा, भरों के लिए अलग गेट होगा। वहां डिजिटल कैमरास लगाए गए हैं सिक्योरिटी के लिए। सो इसका जो लाभ होगा वो पंजाब को विशेष होगा क्योंकि व्यापार के लिए जो टैक्स देता है व्यापारी वो पंजाब के खाते में जाएगा। इसी तरह श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर, जो उत्तर भारत की दिल्ली के बाद सबसे बड़ी एयरपोर्ट थी, कांग्रेस के लोगों ने जब यूपीए का गठबंधन था इस गुरु रामदास जी के नाम पे बनी इस एयरपोर्ट जो गुरु नगरी में है अमृतसर में है, उसके ऊपर अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक प्राइवेट कंपनी को दिल्ली की जो है लाभ देने के लिए सभी जो प्रॉफिटेबल फ्लाइट्स थी इस एयरपोर्ट की बंद कर दी। 80 करोड़ के घाटे में ये एयरपोर्ट चली गई और बर्बाद कर दिया गुरु नगरी की एयरपोर्ट के। जब मैं सांसद बना आई स्पोक इन द पार्लियामेंट ड्यूरिंग द मानसून सेक्शन 2016 कॉन्स्पिरेसी बिहाइंड द राइज एंड फॉल ऑफ श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर, तो उसका पर्दाफाश किया। मैं धन्यवादी हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, वित्त मंत्री अरुण जेटली जी का और जो विमान सेवाओं के मंत्री है सुरेश प्रभु जी और साथ में उनके जयंत सिन्हा जी, कि आज वो एयरपोर्ट पिछले वर्ष में देश की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग एयरपोर्ट का उसको खिताब मिला है। 48% वृद्धि हुई है पैसेंजर्स में। क्यों हुई है? क्योंकि हमारी सरकार ने वहां पे लगभग 500 करोड़ की डेवलपमेंट कराई है, जिसमें वहां पे Cat 3B लाइटिंग है कि 24 घंटे 365 दिन जितनी भी धुंध हो फ्लाइट कैंसिल नहीं होगी। वहां की हवाई पट्टी नई बनाई, वहां पे जितना भी हैवी जहाज आए वो वहां लैंड कर सकता है। आज एयरपोर्ट में ड्यूटी फ्री लॉन्जेस बन रही है, ड्यूटी एयरपोर्ट एयरलाइन कंपनी की लॉन्जेस बन रही है, ड्यूटी फ्री शॉप्स बन रही है, फूड कोर्ट बन रहा है। सो पंजाबी जिनको तंग कर दिया था कांग्रेस ने, उनको दिल्ली उतरना पड़ता था
और सारी उनको टॉर्चर सहना पड़ता था। आज यहाँ से बर्मिंगम की फ्लाइट है, दुबई की फ्लाइट है, सिंगापुर की फ्लाइट है, मलेशिया की फ्लाइट है, और डोमेस्टिक लेवल पे भी नांदेड़ साहब की फ्लाइट है, मुंबई की फ्लाइट है, पुणे की फ्लाइट है, जयपुर की फ्लाइट है, चेन्नई की फ्लाइट है। और आज जो तोहफा मिला है, पीछे हमने शुरू करवाई थी बैंकॉक और गोवा की फ्लाइट, आज स्पाइस जेट जो है वो देहरादून अमृतसर की फ्लाइट शुरू करने जा रहा है, जिसका लाभ जहां मसूरी जाने वाले लोगों को सुविधा होगी, वहां हरिद्वार जो है धार्मिक दृष्टि से जाने वाले लोगों को सुविधा होगी, वहीं पे जो पांवटा साहब जाते हैं लोग जो है उनको भी इसका जो है वो लाभ होगा। सर, आम आदमी पार्टी रैली कर रही है, केजरीवाल जी रैली कर रहे हैं केजरीवाल जी की कोई प्रमाणिकता नहीं रह गई, क्योंकि केजरीवाल जी का कुनबा बिखर गया है। ये स्वार्थी लोगों का कुनबा सी, वो लोग सीगे जेड़े के राष्ट्र विरोधी तत्वों नाल भी हाथ मिला लेंदे सी निजी स्वार्थों की पूर्ति नाल। केजरीवाल दे सारे पुराने साथी छड गए ने, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि जो झूठ की राजनीति, जो फरेब की राजनीति, गुमराह करने की राजनीति केजरीवाल ने की सी, ਉਹਨੂੰ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪੁਰਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਚੜ ਗਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਚੜ ਗਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸਰ? ਪੰਜਾਬੀ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਓਪਰਚੁਨਿਸਟ ਨੇ, ਸਵਾਰਥੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ, ਦੇ ਆਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰੀ ਬਰਡਸ, ਇਹ ਸਾਈਬੇਰੀਅਨ ਬਰਡਸ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਡਾਲ ਤੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਡਾਲ ਤੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ